वेलकम स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू लेबोरेटरी के इस पार्ट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फुट या बेस, यह माइक्रोस्कोप का बेसल पार्ट होता है जो हॉर्स शू शेप या घोड़े की नाल की आकृति का होता है। माइक्रोस्कोप का यह पार्ट माइक्रोस्कोप के अन्य पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पिलर, यह माइक्रोस्कोप का स्मॉल स्ट्रॉन्ग वर्टिकल पार्ट होता है जिसका एक एंड फुट या बेस से अटैच रहता है। आर्म, माइक्रोस्कोप का यह पार्ट कर्व एंड स्ट्रॉन्ग प्रकार का होता है। इसका यूज माइक्रोस्कोप की हैंडलिंग या माइक्रोस्कोप को पकड़ने में किया जाता है। इंक्लिनेशन जॉइंट, इस जॉइंट के द्वारा आर्म माइक्रोस्कोप के पिलर से अटैच रहती है। इस जॉइंट का यूज माइक्रोस्कोप की टिल्टिंग में या माइक्रोस्कोप को झुकाने में किया जाता है। स्टेज, माइक्रोस्कोप का यह पार्ट फ्लैट एंड रेक्टैंगुलर प्रकार का होता है जो आर्म से जुड़ा हुआ रहता है। माइक्रोस्कोप के इस पार्ट पर स्लाइड या ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। इसके सेंटर में होल प्रेजेंट होता है जिसके द्वारा सनलाइट ऑब्जेक्ट या स्लाइड पर आती है। क्लिप्स, स्टेज के अपर पार्ट्स पर दो क्लिप्स होती है। इन क्लिप्स का यूज ऑब्जेक्ट या स्लाइड को उपयुक्त पोजीशन में बनाए रखने में किया जाता है। डायफ्रेगम, माइक्रोस्कोप का यह पार्ट स्टेज के नीचे प्रेजेंट होता है। स्टेज पर आने वाली लाइट की इंटेंसिटी को यह रेगुलेट करता है। डायफ्रेगम आयरिस या डिस्क प्रकार के हो सकते हैं। कंडेंसर, यह एक प्रकार का लेंस होता है जो स्टेज के नीचे प्रेजेंट होता है। यह लाइट बीम की साइज को कंट्रोल करता है। कंडेंसर मिरर से आने वाली लाइट को गैदर कर ऑब्जेक्टिव लेंसेज पर डायरेक्ट करता है। कंडेंसर को नॉब की सहायता से ऊपर या नीचे किया जा सकता है। यह नॉब स्टेज के नीचे प्रेजेंट होती है। बॉडी ट्यूब, माइक्रोस्कोप का यह पार्ट ट्यूबुलर होलो होता है। बॉडी माइक्रोस्कोप के आर्म के अपर पार्ट से जुड़ी हुई रहती है। बॉडी ट्यूब को एडजस्टमेंट नॉब की सहायता से ऊपर या नीचे किया जा सकता है। नोज पीस, यह माइक्रोस्कोप का सर्कुलर रिवॉल्विंग मेटेलिक पार्ट होता है जो बॉडी ट्यूब के लोअर एंड से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें तीन होल्स होते हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव लेंसेज फिट रहते हैं। कोरस एडजस्टमेंट स्क्रू या नो, यह लार्ज साइज की नॉब होती है जिसका यूज बॉडी ट्यूब को ऊपर नीचे करने में
किया जाता है जिससे ऑब्जेक्टिव लेंस उपयुक्त पोजीशन में आ जाते हैं। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू या नोब, ये स्मॉल साइज की नोब होती है जिसका यूज ऑब्जेक्ट की शार्प एंड फाइन फोकसिंग में किया जाता है। नोब का यूज ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट फोकसिंग में किया जाता है। आईपीस ऑक्यूलर, आईपीस लेंस बॉडी ट्यूब के टॉप पर फिट रहता है। इसकी स्ट्रेंथ 5x या 10x या 15x हो सकती है। ऑब्जेक्टिव लेंसेज तीन होते हैं जो नोज पीस के होल्स में फिट रहते हैं। इनकी स्ट्रेंथ 10x, 45x, 100x होती है। मिरर आर्म के लोअर एंड या पिलर से अटैच रहता है। यह प्लेनोकोन के प्रकार का मिरर होता है जो सनलाइट को या लाइट रेज को माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रिफ्लेक्ट करता है। यूटिलिटी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज डिफरेंट टाइप की सेल्स को डिफरेंशिएट करने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज ऐसे मटेरियल के लिए किया जाता है जिनके लिए हायर मैग्निफिकेशन की आवश्यकता होती है। लेफ्ट साइड में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डायग्राम को रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स को दिखाया गया है। इस प्रकार इंट्रोडक्शन टू लेबोरेटरी के इस पार्ट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी की। थैंक यू।